कहते हैं ना, जब हौसले बुलंद हों तो मंजिलें आसान हो जाती हैं, और कुछ कर गुजरने का जज्बा अगर हम में हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। जी हाँ, बात कर रहे हैं हिसार जिले के छोटे से गांव मल्लापुर में रहने वाले एवरेस्ट विजेता रोताश खिलेरी की, जो 21 फरवरी को दिल्ली से अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी के लिए रवाना होंगे। और अब की बार अफ्रीका महाद्वीप पर जहां -40 डिग्री तापमान रहता है, वहां पर 24 घंटे रहकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, जिसकी तैयारी के लिए रात दिन जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। खिलेरी की माने तो अब से पहले ये रिकॉर्ड किसी के नाम नहीं है, इसके लिए उन्हें परमिशन भी मिल चुकी है। सर, पर्वतारोहण में 2014 में मार्शल आर्ट खेलने के लिए काठमांडू गया था, तो उस टाइम मैंने लाइव में पहली बार बड़े बड़े माउंटेन को देखे थे, तो साथ में बैठे ट्रेवल कर रहे थे, एक साथ में नेपाली बैठा था, उससे मैंने पूछा कि इससे भी बड़े कोई पहाड़ होंगे, तो उसने कहा कि सागरमाथा हमारे नेपाल में ही है। तो मैंने पूछा ये कौन सा पहाड़ है, तो बोला उसको माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में किताबों में अखबारों में पढ़ा था, पहले तो कभी उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, तो एक नेपाली के माध्यम से सुनने के बाद पता चला कि हाँ, कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। तो उस दिन ऐसे ही मन बनाया था कि एक दिन मैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ूंगा। और 2017 में मुझे इसके एवरेस्ट के बारे में पता चला कि कैसे क्लाइम करते हैं, क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो जैसे मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स के माध्यम से पता चला, तो मैंने उसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया। 1 मई 2017 से लेकर 28 मई 2017 को मैंने पहलगाम में जवारी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन आर्मी अंडर में आता है, वहाँ पर मैंने बेसिक माउंटेनिंग कोर्स किया। तो उसके बाद फिर मैं सिक्किम में सेकेंड एडवांस माउंटेनिंग कोर्स के लिए गया, तो मुझे फिर कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ गया कि मैं अभी एवरेस्ट कर सकता हूँ, मुझे इस फील्ड की नॉलेज हो चुकी है। तो मैंने 1 अप्रैल 2018 को मैं इंडिया से माउंट एवरेस्ट के लिए निकला, और 16 मई 2018 को मैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचा और अपने देश के आन बान शान तिरंगे झंडे को लहराया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों न मैं 7 कॉन्टिनेंट करूँ। 7 कॉन्टिनेंट जो 7 महाद्वीप है, जो उसके अलग अलग कंट्री में बड़ी बड़ी पिक्स है, तो उनके अभियान की मैंने शुरुआत की। तो मेरा 1st कॉन्टिनेंट उसमें माउंट किलिमंजारो था। 23 जुलाई 2018 को मैंने माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया, और 4 सितंबर 2018 को मैंने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन 29 दिसंबर 2018 को मैंने सोचा क्यों ना मैं इस फील्ड में कुछ अलग हटके करूँ। तो उसी दिन मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया, तो मुझे एक रिकॉर्ड मिला 21 घंटे का, बाबू श्री शेरपा के नाम था। बता दें कि इससे पूर्व भी रोताश खिलेरी ने दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का सपना देखा और माउंट एवरेस्ट आखिरकार 2018 में जीत लिया था। इतना ही नहीं, पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट के विख्यात शिखर को जीतने के लिए यात्रा शुरू की। वर्ष 2014 में एक दिन मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए काठमांडू जाते समय युवा रोहताश ने अपने जीवन में पहली बार ऊंचे बर्फीले पहाड़ों की एक झलक पाई। इसके बारे में पूछने पर बगल में बैठे नेपाली ने जानकारी दी कि नेपाल सागर एवरेस्ट के नाम से मशहूर सागर थामा नामक सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है। उसी क्षण रोताश ने अपने मन में ठान ली कि उस चोटी पर चढ़कर फतेह करना है, और अब रोताश खिलेरी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर 24 घंटे रहकर और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज लहराकर अपने माता पिता के साथ देश का नाम भी रोशन करेंगे। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी।